अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुंबई मोबाइल जोन से तैयार रहमान बात कर रहा हूँ। आज हमारे पास एक सीट आया है नोकिया का 105 डुअल सिम। इसका मसला ये है कि इसकी जो है ना 7-8 बटन ये वर्क नहीं कर रहा है, बाकी सारा कीपैड वो काम कर रहा है लेकिन 7 और 8 बटन जो है ना वो काम नहीं कर रहा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं, देखो ये 7-8 ये काम नहीं कर रहे हैं, बाकी सारा कीपैड जो है ना वो काम कर रहा है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक इस तरह आप जो है ना इस सीट के इन बटनों का मसला वो हल कर सकोगे। तो आपको बताते हैं इसका, देखो अभी 7-8 ये काम नहीं कर रहे हैं। तो चलो सीट को ऑफ करते हैं और सीट को खोलते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये मसला हल हो सकता है। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है नोकिया 105 डुअल सिम कीपैड वाइस। इसके जो है ना ये 7, 8, 9 नेटवर्क है। इसका 7 बटन काम कर रहा है लेकिन 8-9 नहीं कर रहा है, लेकिन ये सारा इस तरह एक लेन आया हुआ है जो पीछे जो सर्कट में पॉइंट लगे हुए हैं उसके से सेंटर वाले पॉइंट से लेकर यहाँ पहले पॉइंट पे आते हैं। तो चलो दोस्तों इस सेट को खोलते हैं और देखते हैं कि कहाँ से इसका मसला है। तो दोस्तों सेट हमने खोल लिया, अभी देखते हैं कि यहाँ लाइनों पे वैल्यू आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ प्लस लाइन पे इसकी जो बीच वाला लाइन है इस पे वैल्यू नहीं आ रहा, ये 8 नंबर के बीच वाले पे भी वैल्यू नहीं आ रहा, ये सारा एक लाइन है। यहाँ 7 नंबर पे हम चेक करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ रहा है, ये सारा एक लाइन है लेकिन 8-9 पे वैल्यू नहीं आ रहा है, 7 पे आ रहा है। तो यह बीच में ब्रेक है। और देखो दोस्तों ये पॉइंट हमने ये वाले बनाए हुए हैं, ये दरमियान वाले पॉइंट से जो है ना यहाँ पे लेना आता है, ये दरमियान वाला जो पॉइंट है। अगर आपके पास इस तरह मसला हो तो इस पॉइंट से जंपर लेके आप इस मसले को अर्ज कर सकते हो। और ये पॉइंट हमने ये वाले बनाए हुए हैं, ये सबसे पहले वाला पॉइंट जो है ना ये यहाँ पे लेना आता है, फिर यहाँ से सीधा पावर आई सी तक। तो दोस्तों यहाँ से जो है ना यहाँ ये अभी वैल्यू आपको फिर से दिखाते हैं। देखो ये वैल्यू यहाँ 7 नंबर लेन पे चूँकि वैल्यू आ रहा है, तो 7 नंबर लाइन से जो है ना हम जंपर लेकर यहाँ 8-9 वाले लाइन पे वो जंपर लगाएंगे। तो चलो दोस्तों यहाँ 7 नंबर के जो कीपैड है जो कि काम कर रहा है, तो वहाँ से जंपर उठाकर यहाँ पे जंपर लगाते हैं। तो दोस्तों जंपर हमने लगा दिया, अभी यहाँ पे वैल्यू चेक करते तो देखो यहाँ पे बराबर वैल्यू अब आ गया जो कि हमने 7 नंबर बटन से उसके जंपर उठा लिया। तो चलो अब एक बार इसको फिट करके भी देख लेते हैं। और देखो मोबाइल ऑन हो गया, अभी कीपैड चेक करते हैं क्योंकि 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9*0#1DR, देखो सारे बटन अभी वर्क कर रहे हैं। और मेन मसला जो कि हमारा 8 और 9 बटन का था, देखो अभी वो हल हो गया। तो देखो तो दोस्तों इस डायग्राम के ज़रिए आप आसानी से ये मसला हल कर सकते हो।